अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज हम मीडियाटेक सीपीयू के हामिल नए लेटेस्ट सिक्योरिटी के मोबाइल्स जैसे कि इन्फिनिक्स, टेक्नो, ओप्पो और वीवो के जो मोबाइल्स हैं, इसके अलावा दूसरे भी बहुत सी ब्रांड आ रहे हैं, उन तमाम मोबाइल्स की फ्लैशिंग के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आपने एमटी के आउट बाईपास टूल को ओपन कर लेना है, जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। एमटी के आउट बाईपास टूल के लिए लाजमी है कि आपके कंप्यूटर में एमटी के ड्राइवर्स, जो कि डिस्क्रिप्शन में जिनका लिंक मौजूद है, वही आपने इंस्टॉल करने हैं। और इसके बाद आपने लिब यूएसबी के नाम से एक छोटा सा सेटअप है, वो भी इंस्टॉल कर लेना है अपने कंप्यूटर में। और फिर आपने आउट बाईपास टूल को ओपन करने के बाद, आपके सामने मैं एक दफ़ा डिवाइस मैनेजर ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि इस दौरान मोबाइल को कनेक्ट करना है। तो आउट बाईपास टूल ओपन करने के बाद हम टूल में मौजूद डिसेबल आउट के बटन पर क्लिक करेंगे। डिसेबल आउट के बटन पर क्लिक किया, वेटिंग फॉर एमटी के यूएसबी डिवाइस आया, मोबाइल को कंप्लीट ऑफ कर देना है, यूएसबी केबल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देनी है, मोबाइल के दोनों वॉल्यूम के बटन दबा के केबल मोबाइल में कनेक्ट कर देनी है। तो आउट बाईपास टूल में कुछ ऐसे टेक्स्ट शो होंगे और डिवाइस मैनेजर में हमें एमटीके का पोर्ट शो होगा, जिसका मतलब है कि मोबाइल कनेक्ट हो चुका है। मोबाइल कनेक्ट होने के बाद मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक रहेगी, यानी कि मोबाइल ऑफ हालत में कनेक्ट रहेगा। और अब हम अपने कंप्यूटर में एसपी फ्लैश टूल ओपन करेंगे। एसपी फ्लैश टूल का भी एक ख़ास वर्जन है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वही आपने डाउनलोड करना है। तो इस टूल को हम ओपन करेंगे, इसका ओके करते हैं और टूल के डीए सेक्शन में हम डीए की फ़ाइल लोड करेंगे और स्केटर लोडिंग फाइल में हम फर्मवेयर की फ़ाइल का टेक्स्ट फाइल लोड करेंगे। तो डीए की फ़ाइल, हर मॉडल की अपनी एक फ़ाइल होती है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद मोबाइल के स्टॉक फर्मवेयर की फ़ाइल जो होती है, उसमें हमें एक टेक्स्ट की फ़ाइल मिलती है, स्केटर फाइल जिसको बोलते हैं। मीडियाटेक सीपीयू के लिए अमूमन यही फ़ाइल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो फ़ाइल भी हम स्केटर लोडिंग फाइल सेक्शन में लोड कर देंगे। इसके बाद आते हैं सबसे ज़रूरी बात की जानिब। अक्सर औकात हम मोबाइल की फ्लैशिंग करते हुए हमें बहुत से एरर का सामना करना पड़ता है, तो उन एरर से बचाव के लिए सबसे पहले हम ये कुछ पार्टीशन हैं, इनको अनचेक करेंगे। प्री लोडर, डी टी बी ओ, टी के वी, ट्रॉन एफ एस पार्टीशन है, इनको अनचेक कर दिया है। उसके बाद हम एस पी फ्लैश टूल के ऑप्शन में जाएंगे और ऑप्शन में हमने जो मोबाइल कनेक्ट किया हुआ है उसका पोर्ट सेलेक्ट करेंगे। कनेक्शन सेक्शन में कनेक्शन पे क्लिक करेंगे, यू ए आर टी पे क्लिक करेंगे और कॉम पोर्ट में हम वो कॉम पोर्ट सेलेक्ट करेंगे जो कि डिवाइस मैनेजर में हमारा मोबाइल कनेक्टेड है। और बूट रेट को टूल में बूट रेट को हाई रखना है। डिवाइस मैनेजर में हमारा ये पोर्ट है, मीडियाटेक का पोर्ट है, इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और नीचे जो बूट रेट है उसको हमने हाई रखना है, बूट रेट को हाई रखना है। और इसको हम इस टूल को क्लोज कर देते हैं। और इसकी ये तमाम सेटिंग होने के बाद हम
इसके बाद डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो फ्लैशिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और बिना एरर के, किसी एरर के जो फ्लैशिंग है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। किसी किस्म की हेल्प की सूरत में या परेशानी की सूरत में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।